बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। और आज राजनीतिक नव प्रवर्तक के हमारे साथ हैं अनुभव जायसवाल, जिनका अनुभव राजनीति में 20 वर्षों का रहा। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य, फिलहाल अयोध्या के वार्ड नंबर 30 लालबाग से पार्षद और अपने जवाबदेही जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। तो आगे की बातचीत उन्हीं से। अनुभव जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे कि आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी बताएं। तो मैं अपना नाम परिचय तो धो ही चुका है, पुनः बता रहा हूँ। अनुभव जायसवाल, लालबाग वार्ड से पार्षद हूँ और मैं कॉलेज के समय से ही राजनीति में आया था। छात्र संगठन से जुड़ा, चुनाव तो नहीं लड़ा लेकिन चुनाव लड़वाने का प्रयास किया अपने मित्रों में ही। छात्रों की जो भी समस्याएं रहीं उसको समय समय पे हम लोग कॉलेज टाइम पे, साकेत डिग्री कॉलेज अयोध्या में है तो वहाँ पर हमने, गुड्डू मिश्रा जी हैं वर्तमान समय में हमारे भाजपा के नगर महानगर अध्यक्ष हैं, उनको भी अध्यक्ष बनाया। इसी तरह से कई ऐसे लोग रहे। उसके बाद से मैं जो है राजनीति में आया, भाजपा में जुड़ा। भाजपा का उद्देश्य मेरा यही था, मैंने अपने परिवार में देखा, अपने माता पिता को देखा सामाजिक कार्य करते हुए। हमारे पिताजी भी कोर्ट में मैं वो सर्विस करते रहे हैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब में, तो वो अपने पीछे से भी कई ऐसे सामाजिक काम, गरीबों को छुपे छुपे वो अनाज दे जाना या किसी के यहाँ कोई दिक्कत है तो उसको उसके बच्चे के पढ़ाई के लिए देना, तो हमको जानकारी मिलती रही। हमने उसको भी देखा, उनसे ग्रहण की, तो भावनाएं प्रकट हुई हमारे अंदर थी कि समाज को सेवा करने के। हम आर्थिक स्थिति से इतने मजबूत नहीं थे तो एक प्लेटफॉर्म ये चाहिए था राजनीति का। राजनीति में एक ताकत मिलती और ताकत के साथ फिर हम लोगों का उसका न्याय दिलाने में, जिसको भी गरीबों को उत्थान में हमने प्रयास किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर महामंत्री रहा 3 साल, नगर कार्यकारिणी सदस्य रहा और पार्टी ने हमारे जिम्मेदारी को देखते हुए, हमारे कार्य को देखते हुए हमें पार्षद की टिकट दी थी, जिसका मैंने जिम्मेदारी से निर्वहन करता आ रहा हूँ। आपने बताया भी कि पिताजी आपके सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे और इसी वजह से आपका ये बन गया कि अपने जवाबदेही जिम्मेदारियों को समाज के प्रति सौंपे और उसको निभाए। मेरा अगला प्रश्न, जैसा कि आपने बताया कि राजनीति में फिर आपका आगमन हुआ, शुरू से आपका आपकी दिलचस्पी रही राजनीति में, जब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसके बाद सक्रिय राजनीति की आपकी शुरुआत, तो उसके बारे में और ज्यादा जानने का प्रयास करूंगा। उसके बारे में आप ज्यादा बताने का प्रयास करें कि राजनीति में आगमन जो है वो कब हुआ, कैसे हुआ और किस उद्देश्य से हुआ, और अपने विजन के बारे में बताएं कि उस आगे के आपके मुद्दे क्या हैं। मेरे राम मंदिर मुद्दे पे जब 6 दिसंबर, 2 अक्टूबर या 30 अक्टूबर जो भी संघर्ष का समय रहा राम मंदिर मुद्दे को लेकर, उसमें मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन अपने बड़े भाई जो हमारे पूर्व सभासद हैं उनके साथ, हमारे पिताजी के साथ, हम लोगों ने संघर्ष में अयोध्या गए थे, कार सेवा भी किया था। हमारी उम्र उस समय 16-17 साल रही होगी और कम ही रही होगी। उसके बाद फिर उनके जुड़ते रहे, भाजपा से भी एक लगा हुआ हिंदुत्व नेत्र के बारे में भी जाना, राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद थी वहां पर उसके बारे में भी जाना, देखा कि हमारे लोगों के साथ संघर्ष बहुत, जुल्म भी हुए हैं हमारे हिंदू संगठनों में हिंदू भाइयों के ऊपर समय समय पर। जैसे अभी बताया कि पिताजी के ही इशारे पे ही चलता रहा हूँ, उनको देख देख कर एक प्रेरणा मिलती गई और उसी प्रेरणा के साथ हम काम करते गए। इच्छा हुई कि राजनीति में आकर
गरीब मजलूम की सेवा की जा सकती। इसी के माध्यम से राजनीति से जुड़ता चला गया और आज पार्षद का भी पद निर्वहन कर रहा हूँ और उसका जो भी जिम्मेदारी है वार्ड की वो निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे के मुद्दे यही है कि जैसे जैसे संघर्ष करते जाएंगे वार्ड की समस्याओं से हम अवगत होते जाएंगे, चीजें और हमको मिलती जाएंगी, कुछ वार्ड से ऊपर जाएंगे, शहर में भी जा सकते हैं, शहर के भी कुछ समस्याएं हैं, वार्ड के साथ ऊपर जाएंगे, वो संगठन देखेगा कि हमको कहाँ ले जाना है, क्या करना है। फिलहाल हमारा तो यही एकदम वार्ड के माध्यम से जो हमें अभी तक तो मैं पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ, जब से पार्षद का चुनाव हुआ है पार्षद होने के नाते वार्ड में छोटी छोटी समस्याएं जो वाकई किसी का राशन नहीं है, कोई बहुत ऐसे गरीब परिवार है जिनके राशन नहीं है, उनका कोई पैरोकार नहीं, तो ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है पार्षदों की कि उनका राशन कार्ड बनवावें, उनको प्रधानमंत्री आवास दिलावें, आर्थिक सहायता जो भी हो सकता है वो दिलावें, यही हम लोग कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को दिख रही हैं जो हमारी आगे करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसको वार्ड के स्तर से फिर और आगे ले जाएंगे, वार्ड से निकल के दूसरे वार्ड, तीसरे वार्ड और नगर तक भी प्रयास करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न था, जैसे आपने क्षेत्र के बारे में बताया, छोटी छोटी समस्याओं या शहर के बारे में बताया, तो जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र, अपने क्षेत्र के बारे में जरा बताएं कि यहाँ की समस्याएं क्या है और विशेषताएं। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, चुनाव जब हमने चुनाव प्रचार में निकलते थे, सबसे ज्यादा समस्या जल भराव की है। हमारे वार्ड में कई बहुत बड़े एकड़ में एक बहुत बड़ी लैंड है, वो वक्फ बोर्ड की लैंड है, उसमें चार पांच वार्ड का पानी डंप हो रहा है। उसके अगल बगल काफी रिहायशी कॉलोनियां डेवलप हो चुकी हैं और बहुत लोग उससे पीड़ित हैं, बहुत लोगों के बेसमेंट में पानी भरा रहता है बरसों तक, या बरसात के सीजन में वो पानी इतना ओवर हो जाता है, तालाब तो नहीं है, तालाब में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन वो लैंड वक्फ बोर्ड की है और वो थोड़ा गड्ढे में है, पानी कंटिन्यू वहां पर 3-4 वार्डों का गिरता रहता है, जब वहां पर ओवरफ्लो होता है बरसात में तो जल भराव की स्थिति आ जाती है, लोगों को, बुजुर्गों को, बीमारों को निकलने में घर से वहां असुविधा होती है। इसी की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, ये बहुत बड़ा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की अपनी लैंड है, हम चाहते हैं उसको वहां से सीवर लाइन देना, सड़क निकालना चाहते हैं और उस लैंड का कुछ यूज हो जाए, पार्क में डेवलप हो जाए। मैंने मोहसिन रजा जो यहाँ के वक्फ बोर्ड के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मैं उनसे भी उनको भी अवगत कराया हूँ और हमारे सांसद श्री लल्लू सिंह जी को भी अवगत कराया है, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी को भी अवगत कराया और अपने महापौर को भी अवगत कराया है और नगर विकास मंत्री को भी ज्ञापन दिया है, प्रयास हम कर रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी। हम चाहेंगे कि अपने कार्यकाल खत्म होते होते हम ये एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बाकी समय समय पे जो अभी महामारी आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में आया है, उस बीच में भी हमने अपने वार्डों को सैनिटाइज करने का प्रयास, मैं अपने घर में पैक नहीं रहा, मैं रुका भी नहीं, मैंने समय समय पे अपने वार्ड का सैनिटाइजेशन कराता रहा, जहाँ जहाँ भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनके घर का सैनिटाइज कराता रहा और स्वयं जाता रहा, ऐसा नहीं है कि मेरे कर्मचारी ही खाली भेजता था, मैं स्वयं जाता था, मैं पीछे नहीं हटा, मैंने डरा नहीं और आज भी प्रयासरत हूँ, जिसमें जनता ने भी हमको सराहा और हमको उनसे हमें पॉजिटिव रिपोर्ट मिल रही है, हमको एक सहयोग मिल रहा है, जनता भी हमसे संतुष्ट है, यही प्रयास अभी तक हम कर रहे हैं और ये एक समस्या रही है जी। ये तो समस्या वार्ड की समस्या, जैसे आपने पूछा, तो वार्ड की समस्या तो नाली है, सड़क है, बिजली है, ये तो होता ही रहता है, सभी वार्डों में है तो ये तो होते ही रहते हैं। हमने मेल जो बताया, जो बहुत बड़ा हमारी एक इच्छा है, हमारा सपना है, वो लैंड पे हम एक पार्क बनाना चाहते हैं, जल भराव की समस्या को देखते हुए हम वहां से सीवर लाइन लाना चाहते हैं और एक लिंक रोड निकालना चाहते हैं उस पार्क, जो अयोध्या से लेके फैजाबाद तक कोई इतनी बड़ी लैंड नहीं है, जहां पर अगर हम वहां पर पार्क डेवलप कर दें, बहुत झील तक बन सकता है, नाव चल सकती है, इतनी बड़ी वो लैंड है, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है इसको करने का, इसी को मैं प्रयास कर रहा हूँ। विशेषताएं तो हमने जैसे समस्या तो आपको बता ही दी, विशेषताएं ये कह सकते हैं कि हमारे वार्ड में मुस्लिम भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भाइयों से भी हमारा बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छा लगाव है, उनकी भी जो समस्याएं जो भी रहती हैं मैं उस पर उनके खरा उतरने का प्रयास करता हूँ, उनसे भी संपर्क बनाए रखता हूँ, उनको कभी ऐसा एहसास नहीं होने देता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई
कार्यकर्ता हूँ, उनको ये ना लगे कि हम उनसे कोई भावना है, क्योंकि पार्टी में ऐसा कुछ ऐसा सिखाया नहीं गया ना बताया गया ना हमारा कोई संस्कार है, लेकिन उनके मन में विपक्ष जैसे भर देते हैं तो ये विश्वस्तताएं को हम बना के रखना चाहते हैं, उनसे समय समय पर मिलते रहते हैं, उनके दुख तकलीफ को जानने का प्रयास करते हैं। कोरोना महामारी के समय में राशन बांटा गया, वो राशन हमने अपने गरीब मुस्लिम महिलाओं तक भी पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत मुस्लिम महिलाएं हमारे घर तक आई कि भैया ये समस्या है, तो उनको हमने उपलब्ध कराया, जो हो सका हमने किया। और ये विशेषताएं हैं कि हमने उनसे भी भाईचारा बना के रखा है, उनको भी कहीं ऐसा ना एहसास हो कि हम एक अलग पार्टी से हैं जो उनका नहीं ध्यान रख सकते हैं, उनका भी हमने पूरा बखूबी ध्यान रख रहे हैं। ये विशेषताएं हैं फिलहाल। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि आपके क्षेत्र के लोगों के लिए या कानपुर शहर के लिए आपका कोई संदेश या क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश नगर निगम पार्षद होने के नाते जनता से मेरा ये निवेदन है कि वार्ड को साफ रखें, घरों को साफ रखें, भाईचारा बनाए रहें। सबसे बड़ी चीज कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में झाड़ू ले लिया, उनका मुख्य उद्देश्य यही है इस देश को साफ सुथरा रखा जाए। अगर हमारा घर परिवार मोहल्ला सड़क मंदिर मस्जिद नाली नाला आस पड़ोस सब साफ सुथरा रहेगा तो हम शायद महामारी से लड़ सकेंगे, हमें बीमारी छू नहीं सकती है। ज्यादा ना कहते हुए हम यही इतना ही कहना चाहते हैं, साफ सफाई पे जरूर ध्यान रखें। साफ सफाई सफाई रखने से हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। बस यही निवेदन जनता से करना चाहते हैं। ये थे आज हमारे साथ अयोध्या के होनहार पार्षद, मैं ऐसा कहना चाहूंगा क्योंकि राजनीति में इनका 20 वर्षों का लंबा संघर्ष रहा है, और राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में। तो मैं उम्मीद ऐसा करूंगा कि आप लगातार जिस तरह से आपका सामाजिक क्षेत्र में अनुभव रहा है वो आप लगातार वर्षों तक जनता की सेवा में लगे रहें, और भविष्य के लिए हम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भैया।